पखाल जोगु मिलिबो कोरोनारु आश्वस्ति एवं शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबो बासी पखाल एभली एक रिसर्च सामना को आछि एवं ए रिसर्च करचंती एम्स रो वरिष्ठ डाक्टर हम से तो सीधा सड़क जोड़ी होती डाक्टर तांक से तो आलोचना करिबा। सर, क्या रिसर्च हुआ था और ये चीज़ जो सामने आए है कि जो पखाल है बासी पखाल उसमें से जो इम्यूनिटी गेन होगा, बॉडी के अंदर विटामिन बढ़ेगा और कोरोना उसको मात दे पाएगा? Well, that's a lot of question actually. So the thing is, we did a study where looking to characterize pookal and torani. Okay, and so what we identified is that torani is essentially is a fermented rice water. Okay, and then we identified that there are good bacteria that is present in torani, and then it also consists of lot of this short chain fatty acids. Okay, these good bacteria and the short chain fatty acid, when you consume, will produce lot of this effects that we call healthful. Okay, so one of the things that this good bacteria does is to produce, stimulate secretory immunoglobulins, and then the short chain fatty acid, on the other hand, will not only just give energy. These are small molecules; they just can enter any cells, and then they can give lot of energy to the cells. And then on the other hand, it will produce lot of this anti-inflammatory and anti-viral peptides. Okay. These actually go and defend us from, you know, inflammations or any invading pathogens. So this is the basis. However, we did not do this research to identify whether it works against a pathogen. But what our idea was that these are food that is available in every house. And then we are looking in terms of the nutritional supplementation for undernourished children, and that's the genesis of this. And then most importantly, from my research, I know we are looking for options to increase the short chain fatty acid production, and to provide benefits to this undernourished children. सर, जिसको आप वाटर राइस बोल रहे हैं, राइस वाटर, इसमें कितना जगह से सैंपल लिया गया था, इंडिया के कितने जगह से, और कितना दिन तक रिसर्च किया गया जिससे ये बात सामने आया है कि ये कोरोना को मात दे सकता है? सो वी हैव कलेक्टेड सैंपल्स अक्रॉस 20 डिफरेंट फैमिलीज इन कुर्दा डिस्ट्रिक्ट, एंड देन वी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द लोकेलिटीज लाइक अर्बन या रूरल लोकेलिटी, एंड देन उसके हिसाब से हमने 20 डिफरेंट हाउस होल्ड से कलेक्ट किया, और हम एक कंपाउंड्स को मेशर करते रहे, और सिर्फ एक बार नहीं कलेक्ट किए, 2 या 3 बार से ज़्यादा कलेक्ट किए हर घर से। और उसके बाद हम लैब में भी ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये बात और पानी के साथ वो देख रहे थे कि कितने 2 घंटे में कैसे चेंज होता है, 3 घंटे, 4 घंटे, रात भर रखने से कैसे चेंज होता है और क्या बेनिफिट्स हमको मिलता है। वो सब हमने लैब में भी कंट्रोल कंडीशंस में भी ये स्टडी सब किए हैं। सर, जो राइस को कितना टाइम पानी में रखने के बाद वो पानी को पीना चाहिए, क्योंकि उसमें भी डिफरेंट रहता है, कोई इसको 1 रात तक रखता है, Correct. कोई 2-3 दिन तक रखता है। करेक्ट, एक्चुअली इट्स ओवरनाइट फर्मेंटेशन। वो 1 रात भर रखने से ठीक है, बहुत रखने से, बहुत फर्मेंट होने से भी अच्छा ठीक नहीं है। और वो जो हम होटल में जाके खा रहे हैं, जो पोकल जो फ्रेश होता है, वो भी ठीक नहीं है। ये जो ओवरनाइट फर्मेंटेशन के बाद खाने से हमको जो ये नेसेसरी हम बेनिफिशियल कंपाउंड एक रात राइस को वाटर में रखने के बाद इसमें से ऐसा क्या निकलता है जिसको पीने से, जो बाद हम कोरोना महामारी है, कोरोना के बहुत लोगों के जो जा चुका है, क्या है इसमें जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और हमारे अंदर जो है कुछ ऐसे मैड करेगा जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि कोरोना नहीं होगा या जो हमारा अंदर है उसको निकालेगा। दिस रिसर्च अभी कोरोना के पेशेंट्स में नहीं पूरा नहीं किया है, ये तो प्रपोजल में है कि हम ये सब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को देंगे और जो अंदर पेशेंट आ गए उनको भी हम ये दे के टेस्ट करेंगे। वो उस फेस में अब हम अभी नहीं गए हैं। अभी तक जो है जो किए हैं उससे हमको हम कह सकते हैं कि हम रोज़ सुबह घर से निकलते पहले 500 ml का तोरनी पानी पी के ही निकलते हैं। तो ये क्या हो रहा है वो बता सकता हूँ मैं। ये जो राइस है, जब राइस में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ये जब बैक्टीरिया खा लेता है और ये खाने के बाद वो जो बाहर फेंकता है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहते हैं। वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से को खाने से बैक्टीरिया का वेस्ट है ओके, वो ज़्यादा होने से वो हम खाने से हमको अच्छा होगा। मतलब इतना कन्फर्म है कि इसमें से बॉडी का हमारा जो है हम जो जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर गेन होता है। ज़रूर, यस। वो ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है उनमें। एसिटेट या ब्यूटरेट जो है वो जिनका कंसंट्रेशन हम ज़्यादा करने की ही कोशिश कर रहे हैं ओके, वो करने से वो लंग्स में जो एंटीवायरल पेप्टाइड्स प्रोड्यूस कर सकता है या और जो खाने से पेट में जाने से भी वो पेट और लंग्स का कनेक्शन स्ट्रांग है। देयर इज़ अ गट लंग एक्सेस हम बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छे बैक्टीरिया और अच्छे ये सब खाने से और लंग्स में जो भी इन्फेक्शन हो सकता है उसको वो रोक सकता है। निश्चित भाव आप देखुले आम सहित तो एम्स रो वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर बालमुरुगन जी आमको सूचना दूसरे जे विभिन्न स्थानर पखाड़ को आनी तार नमूना परीक्षा कर जो स्पष्ट मिली सूचना मिली जे गोटे राति भात को पानी सहित जहाँ आम पखाड़ कहूँ कि तोराणी कहूँ रखापर पखापाखि 500 ml तोराणी जड़े जदि पीऊँची ता बॉडी इम्यूनिटी पावर बा रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ुची और ताते परिमाण बढ़ुची जे ता कोरोना को मात दि जापे। बर्तमान परिस्थिति रे एहाकू आगो को धीरे धीरे जो माने स्वास्थ्यकर्मी अछंती तांकू पियाजिबो टेस्ट करा जिवो एवं तापरे जो माने कोरोना रोगी अछंती तांको बॉडी रे मध्ये एकू टेस्ट करा जिवो जे वास्तव रे ए तोराणी केते मात्रा रे सक्षम होउची कोरोना को मात देवा पई। तेबे वर्तमान तो गोटे जिनस स्पष्ट होई सारची जे तोराणी रे खूब रोग प्रतिरोधक शक्ति रहउची एवं एहा कोरोना को मात देई पारे। हमर पेट सहित फुस्फुस को मध्ये जो बैक्टीरिया जाउची तोराणा रो जो बैक्टीरिया बाहरची एवं जहा खाइबा पर तोराणी पीवा पर जहाँ पेट भीतर को जाऊँगी ताहा उभय फुस्फुस एवं पेट उभय को प्रोटेक्ट कर। तेणु आग को देखा बाकी रहा जे वास्तव में यह केते प्रतिशत रे कोरोना भल कर पारुछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संजीव सह रोशन नथका रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।